नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे एक और कमाल के फ्रेश टेक्नोज एपिसोड में। आप देख रहे हैं हर्ष रॉय वीडियोस। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। पहली खबर यहाँ पे निकल के आ रही है एप्पल की तरफ से। इस बार गेम में बहुत पॉपुलर हुआ पबजी। पबजी मोबाइल को यहाँ पे एप्पल ने नॉमिनेटेड किया है बेस्ट ऑफ 2018 के कैटेगरीज में। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि गूगल का प्ले स्टोर है, गूगल प्ले पे भी नॉमिनेशन का काम चला था, तो वहां पर भी जो अवार्ड निकला तो वहां पे गेम में जो टॉप गेम था या फिर बोले जो विनिंग गेम था वहां पे देखने को मिला पबजी का अवार्ड। वो जो था बिल्कुल यूजर बेस्ड था, यानी कि गूगल के यूजर ही वोट किए थे और उनके हिसाब से ही उन्होंने उस अवार्ड का रिजल्ट निकाला। तो वहां पे जो विनिंग हुआ गेमिंग कैटेगरीज में वो था पबजी मोबाइल का। अगली खबर आ रही है पाकिस्तान की ओर से। पाकिस्तानी इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने कुछ नया कमाल कर दिखाया है। उन्होंने एक ई बाइक को डेवलप किया है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। यहाँ पे ये जो ई बाइक है इलेक्ट्रिक पे वर्क करती है। इसे तकरीबन फुल चार्ज होने में 3 से 4 घंटे के आसपास का समय लगता है और फुल चार्ज होने के बाद तकरीबन 102 किलोमीटर के आसपास की दूरी को तय कर पाएगी और साथ ही साथ 35 से 40 किलोमीटर के आसपास की रफ्तार से दौड़ पाएगी और साथ ही साथ 250 केजी के आसपास के वजन को ये कैरी कर सकती है। अगली खबर निकल के आ रही है YouTube की ओर से। YouTube ने इस बार तकरीबन बहुत सारे वीडियोस को तकरीबन जो संख्या है मिलियन में चली जाती है उनको उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। साथ ही साथ बहुत सारे चैनल्स को भी हटा दिया है। ये मद्देनजर रखते हुआ है वायलेंस को। बहुत सारे ऐसे ही वीडियोस थे जो वायलेंस फैला रहे थे और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी चैनल थे YouTube पे जो बिल्कुल इनएक्टिव है काफी लंबे दरसे से। तो इनको मद्देनजर रखते हुए इन सब चीजों को YouTube से हटाया गया, YouTube को और भी क्लीन बनाया गया है। अगली खबर आ रही है Facebook को लेकर। अगर आप लोग यूज करते हैं फेसबुक को अपने डेस्कटॉप पे तो ये कमाल की खबर आपके लिए, क्योंकि आपको मालूम है हाल में ही फेसबुक का एक नया फीचर फेसबुक बाद सामने निकल के आया था, लेकिन स्मार्टफोन वगैरह के लिए उपलब्ध था। लेकिन इस नए अपडेट के बाद अब ये फेसबुक डेस्कटॉप पे भी सपोर्ट कर लेगा आपका ये वॉच का फीचर। अगली खबर आ रही है साउथ कोरियन स्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग की ओर से। सैमसंग के आने वाले कमाल की डिवाइस गैलेक्सी S10 प्लस से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट यहां पे देखने को मिल रहे हैं। जानकारी ऐसी निकल के आ रही है कि आने वाले इस डिवाइस में आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही साथ यहां पे प्राइस से रिलेटेड भी कुछ अनुमान निकल के आया है, एस्टिमेट निकल के आया है। बताया जा रहा है कि इस डिवाइस की कीमत तकरीबन 81,000 यानी कि 81,000 के आसपास हो सकती है। उम्मीद है आपको हमारा यह टेक न्यूज का एपिसोड पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और एपिसोड देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।